स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये कानून, ये रूल्स सिर्फ प्राइवेट बॉडीज पर क्यों? सरकारी कामकाज में ये रूल इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते? क्या वीडियो है, क्या मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नजर सबकी पड़ती होगी यहां पे, क्योंकि मेन हब है। आज विलय दिवस है, उस सबकी शुभकामनाएं। और इस विलय दिवस पर मैं बिल्कुल महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है। बड़ा जबरदस्त मैसेज है इसमें, जो समझना पड़ेगा सरकार में बैठे हुए लोगों को। पार्क आपने देख लिया, और जब भी छुट्टी होती है, संडे, सैटरडे, या फिर जैसे आज छुट्टी है विलय दिवस की, जम्मू वालों के पास विकल्प बड़े कम है। एक विकल्प ये है, महाराजा हरि सिंह पार्क में आकर थोड़ी देर यहाँ बच्चों को लाया जाए, इंजॉय किया जाए। ठीक है, बात समझ आती है। इस गाड़ी को देख लीजिए, और इसके पीछे कितनी गाड़ियाँ लाइन में देख लीजिए। करोड़ों रुपए का पार्क आपने बना दिया, पार्किंग नहीं बनाई, कोई पार्किंग नहीं है। सभी गाड़ियाँ रोड पे हैं, दोनों साइड से, दोनों साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। पता नहीं कितने लोग होंगे अंदर, जो आज अपने बच्चों को लेकर, अपने को लेकर इस पार्क में आए होंगे। आज छुट्टी है, लेकिन आपके पास पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? सड़क पर गाड़ियां क्यों हैं? इस क्यों का जवाब दो। उसके बाद पीछे भी देख लो, अभी ये काफी नहीं है। ये देख लिया आपने। अब आप, मैं एक चीज और दिखाता हूं, बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूं आपको। भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाना। ये बोर्ड देखिए जनाब, नो पार्किंग ऑन रोड साइड अलोंग द पार्क बाय ऑर्डर VC JDA। VC साहब, बहुत बढ़िया आपने बोर्ड यहाँ लगाया है, पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। सारे स्पेलिंग ठीक हैं और कलर भी अच्छा है बोर्ड का, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ये लगाकर आंखें मूंद ली हैं, सो गए हो घर जाकर। प्रशासन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, JDA के लोग, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो कैसे गए वो? अब मैं ये बताता हूँ आपको, जिस पार्किंग का इन्होंने जिक्र किया है अभी, नो पार्किंग ऑन रोड साइड अलोंग द पार्क, इस पार्क के साथ कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है। जनाब इस बोर्ड को उठा दो, इस बोर्ड को यहाँ से हटा दो, या फिर ये गाड़ियाँ हटा दो। अब मैं आपको, लोगों के पास विकल्प क्या है? इनका कसूर कोई नहीं है, आपने कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। अब मैं आपको दूसरी ओर दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब बोर्ड, कितना प्यारा बोर्ड है ये भी, जिस पर लिखा हुआ है JDA पार्किंग। JDA पार्क, पार्किंग है जनाब, पार्किंग है। अब मैं आपको उस पार्किंग का नज़ारा दिखाता हूँ। ये पार्किंग कम, तालाब ज़्यादा है। ये तालाब है, कीचड़ है यहाँ पर, गंदगी है। ध्यान से देखिए इसको भी, ये तस्वीरें भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, वही गाड़ी है टैक्सी वाला जो श्रीनगर से आया है, कहीं बाहर से आया, रात को यहाँ सोएगा, सुबह फिर वापस जाएगा, वही 8-10 गाड़ियाँ लगी हैं। और ये हालत देखिए इसकी, इस पार्किंग में भी मुझे लगता है लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, कागजों में पता नहीं कितने हुए होंगे, ऐसे लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। झाड़ियाँ उगी हैं, जंगल बना हुआ है, कितने सांप सांप वहाँ होंगे, पानी है, तालाब बना हुआ है। ये तालाब जहाँ बना हुआ है, ये उस पार्किंग की हालत है जिसका बोर्ड आपने लगा के रखा है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर कोई भी बैंक्वेट हॉल आपने नया खोलना है, उसके रूल्स क्या हैं? जो बड़ा अहम रूल है, वो एक रूल ये है जनाब, आपके पास पार्किंग होनी चाहिए। वो पार्किंग की स्पेस भी उस हिसाब से होनी चाहिए जितना आपके बैंक्वेट हॉल का एरिया, कितने लोग वहां आते हैं, उतनी गाड़ियां लगनी चाहिए वहां पे, वो सब होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपने सिनेमा हॉल कहीं खोलना है, तो उसके लिए पार्किंग जरूरी है, नहीं तो आपका वो प्रोजेक्ट पास ही नहीं होगा, वो पास नहीं होगा। लेकिन जनाब ये नज़ारा जो आपको नजर आ रहा है, इस पर कोई JDA के लोग, JDA के कोई ऑफिशियल हैं, कोई अपना तबसरा देंगे इस पर, कोई स्टेटमेंट देंगे इस पर? आप, ये सड़क है, सड़क पर गाड़ी खड़े करने को मजबूर हैं ये लोग। जनाब अगर आपने ये साफ कर दिया होता, बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, यूजलेस। अगर आपने ये साफ किया होता, ये झाड़ियां, कंटीली, जंगल को जो पार्किंग आपने बनाई है, मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जनता के, जो आपने बनाई है इसको यूज करें।
अगर आप ये यूज करते होते तो लोगों के पास विकल्प होता। आज वो सड़क पर गाड़ियां खड़ी है, और जब आप चलान करते हो ना किसी का गाड़ी का, जब ट्रैफिक वाले चलान करते हैं, आपको कोई हक नहीं चलान करने का। आज यहाँ पे चलान इन गाड़ी वालों को नहीं होना चाहिए, ये चलान होना चाहिए JDA को, क्योंकि आपने वहां भी बोर्ड लगाया है, यहां भी बोर्ड लगाया है। ये आप इशारा कर रहे हो पार्किंग इधर है एरो लगाकर, वहां आपने निर्देश दिए हैं कि यहां गाड़ी पार्क नहीं करनी है, और पार्क करे कहां पे? यहां पे जाकर जंगल में, यहां पे जो लोग गाड़ी से उतरेंगे उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। वो व्यवस्था आपने पूरी चरमरा दी है, और पैसे पूरी तरह से खर्च हुए हैं, पूरी तरह से। तो क्या कहते हो जनाब इस वीडियो के बारे में, इस मैसेज के बारे में, अपनी इस नलायकी के बारे में? गलती तो कोई कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि गलती नहीं है। या आप कह दो कि ये जो ये बता रहे हैं मीडिया वाले ये गलत है, बता दो आप ये गलत है भाई। पार्किंग है हमारे पास, बोर्ड भी आपने लगाया है कि यहां पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है, लेकिन पार्किंग की हालत इतनी खस्ता है जिसके यहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां से मुझे इतनी स्मेल आ रही है, यहां पे गंदी स्मेल आ रही है। तो कैसे? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना, और अगर JDA वाले ये रिपोर्ट देख रहे हैं जनाब, तो हम वो अगली रिपोर्ट करने से भी नहीं चूकेंगे। जब यहां पर आप ये व्यवस्था कर दोगे कि ये पार्किंग बिल्कुल साफ हो जाएगी, यहाँ पार्किंग पे एक आदमी खड़ा होगा, आप किसी की ड्यूटी लगा दोगे कि यहाँ रोड साइड गाड़ी पार्क नहीं होगी, जो भी नया आदमी आएगा यहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, आप उनको इशारा करोगे जनाब आप गाड़ी नीचे खड़ी करो, हमारे पास पार्किंग है, जनता के पैसे खर्च किए हुए हैं, मुझे लगता है ये अच्छा हो जाएगा ना। बात समझ आ गई होगी, JDA वालों को भी आ गई होगी और आम लोगों को भी आ गई होगी। हालांकि इन गाड़ी वालों को कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं इनका। अगर इनकी जगह मैं भी यहाँ आता, अपनी फैमिली के साथ आता, मुझे पार्क के अंदर जाना होता, गाड़ी मैं यहीं खड़ी करता, यहाँ नहीं खड़ी करता, क्योंकि यहाँ अंदर जाके बाहर निकल के तैर के बाहर आना पड़ेगा, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है। शायद यही काम है हमारा, बल्ब जला दें ताकि रोशनी हो जाए। आज एक और बल्ब जलाने की कोशिश की है, शायद JDA वालों को इस रोशनी में कुछ दिख जाए और ये व्यवस्था ठीक हो जाए। ये सैकड़ों गाड़ियां जो रोड साइड खड़ी हैं, जो जाम का कारण है, एक्सीडेंट हो सकता है, और हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास जगह है, सब कुछ है, लेकिन सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है हमारे पास, वो लोग नहीं हैं जो ये मुमकिन कर पाए। शायद हैं भी हैं, लेकिन किसी एक को इनिशिएटिव लेना है। JDA के को जो भी सीनियर अधिकारी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जनाब, आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेना है, ये सब जो है ये सब लाइन में आ जाएगा। व्यवस्था आपके पास है, सिर्फ आपको उसको लागू करना है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।